नमस्कार, मेरा नाम कमलेश है और मैं प्रताप नगर में रहता हूँ। ये मेरी मदर है, इनका नाम श्रीमती रेखा देवी है। ये 52 ईयर्स ओल्ड है। तो इनको 2 साल से प्रॉब्लम थी, इनकी परवेजाइनल ब्लीडिंग थी काफ़ी टाइम से। तो ब्लीडिंग होने की वजह से इनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया था। तो हमने काफ़ी जगह इनका ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन हमें सेटिस्फाई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। फिर हमने गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर चंचल शर्मा, उनको दिखाया। तब उन्होंने इनका अल्ट्रासाउंड कराया। तो अल्ट्रासाउंड में पता चला इनको फाइब्रॉइड्स यूट्रस है, काफ़ी सारे फाइब्रॉइड्स है यूट्रस में। इसके बाद उन्होंने मेडिकली ट्रीटमेंट दिया। मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी इनको आराम नहीं मिल पाया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर अमित बेंगानी जी के पास हमें रेफ़र किया, जो कि अभी रुंगटा हॉस्पिटल में है एज ए जनरल सर्जन। फिर उनको हमने दिखाया तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया लेप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए, जो कि इनकी एज 52 ईयर्स है। तो इस उम्र में मेनोपॉज हो जाना चाहिए था, लेकिन इनका अभी तक हो नहीं पाया। उसके बावजूद भी थोड़ा सा रिस्क था कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी इसमें सक्सेसफुल है या नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। फिर उन्होंने अभी फ्राइडे को इनका ऑपरेट किया और काफ़ी बड़ा ट्यूमर था वो, जो लेप्रोस्कोपी सर्जरी इन्होंने की। यूट्रस काफ़ी बड़ा था और फाइब्रॉइड्स भी मल्टीपल थे, काफ़ी ज़्यादा थे, लगभग 400 to 500 ग्राम उसका वेट था। तो उसके बाद इन्होंने लेप्रोस्कोपी सर्जरी से आसानी से उसको ट्रीट कर दिया। तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिला और हम बहुत इम्प्रेस हुए डॉक्टर अमित बेंगानी से। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप भी एब्डोमेन से संबंधित कोई भी तकलीफ हो या फिर यूट्रस से या लेप्रोस्कोपी सर्जरी से कोई भी राय लेनी हो, एडवाइस लेनी हो, डॉक्टर अमित बेंगानी को जरूर दिखाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित बेंगानी जैन, मैं सीनियर कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक सर्जन रुंगटा हॉस्पिटल में हूँ। ये पेशेंट रेखा देवी मेरे पास आई थी मेनोरेजिया की कंप्लेन लेके। इनको काफ़ी टाइम से ऑन एंड ऑफ पीरियड्स हो रहा था, 2 साल से परेशान थी। हीमोग्लोबिन भी इनका फॉल हो जाता है, बीच में इनको ब्लड भी ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ा था। तो ऐसे कंडीशन में इनकी एज भी 52 के आसपास है एंड तो अभी तक मेनोपॉज नहीं हुआ था इनको और ब्लीडिंग हो ही रही थी। तो ऐसे कंडीशन में और यूट्रस का साइज़ भी काफ़ी बड़ा था, बल्कि था एंड मल्टीपल फाइब्रॉइड्स भी कुछ छोटे थे और कुछ तो बहुत बड़े थे फाइब्रॉइड्स। तो ऐसे में हमने इनको TLH के लिए प्लान किया कि दूरबीन से ही कोशिश करेंगे। इनका भी ये कंसर्न था कि चीरा ना लगे तो ज़्यादा बेटर है। तो हमने लेप्रोस्कोपिकली ही यूट्रस विद द ओवरीज एंड द ट्यूब्स सभी निकाला, बिकॉज ओवरी में भी सिस्ट भी थे इनके, जो कि इंट्रा ऑपरेटिव हमको पता चला था। तो ऐसे में क्या होता है, मैलिग्नेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द एज एंड द साइज एंड फाइब्रॉइड्स ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग फाइब्रॉइड्स थे इनको। हाँ, तो ऐसे में मैलिग्नेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर क्लिनिकली देखने पे और स्पेसिमेन को देखने पे अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि मैलिग्नेंट होना चाहिए एंड बायोप्सी रिपोर्ट इज़ अवेटेड स्टिल, बट पेशेंट इज़ कम्फर्टेबल नाउ। ओरली ले रहे हैं, कोई इसको पेशेंट को यूरिन एंड मोशन रिलेटेड कोई कंप्लेन नहीं है एंड शी इज़ रेडी फॉर डिस्चार्ज नाउ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी एब्डोमेन संबंधित कोई भी दिक्कत हो या एनोरेक्टल संबंधित कोई भी दिक्कत हो, लेप्रोस्कोपी से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो, तो आप मुझसे मिल सकते हैं रुंगटा हॉस्पिटल में। थैंक यू सो मच।